करें सपने अपने। चलिए वक्त हो गया है आज के पहले महा उपाय को जानने का। क्या आपके घर से बरकत खो गई है? कोई सुख नहीं है, समृद्धि नहीं है? आप एक उपाय कीजिए, इसका इलाज आपके घर में ही छुपा है। पत्नी लक्ष्मी का स्वरूप होती है, भूलकर भी पत्नी को बुरे शब्द ना बोलिए। अगर पत्नी दुखी होकर अपने माता पिता के घर चली गई तो बरकत आपके घर से दूर हो जाएगी। पत्नी मायके चली जाएगी तो फौरन उन्हें मनाकर वापस ले आएं। पैसे और कपड़े देकर पत्नी को मनाएं, बिगड़ते काम बनेंगे और बरकत घर लौटेगी। चलिए जानते हैं आज का दूसरा महा उपाय। एक बात बताइए, क्या आपको सास की बीमारी है? नहीं नहीं, मैं पति या पत्नी की माँ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ब्रीदिंग प्रॉब्लम की बात कर रही हूँ। अगर परेशान हैं तो एक काम कीजिए, मूंगा, पन्ना, मोती तीनों को रिंग फिंगर की अनामिका उंगली में धारण कीजिए, आपको लाभ होगा। लेकिन ध्यान रहे, डॉक्टर का इलाज अच्छे से कराइए, इसमें कहीं कोई केयरलेसनेस नहीं दिखाइएगा। साथ में उपाय कर सकते हैं। चलिए जानते हैं आज का तीसरा महा उपाय। क्या संतान प्राप्ति नहीं हो रही है? किलकारी सुनने को परेशान है? थर्सडे को पति दाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में 5.5 रत्ती का पुखराज पहने, पत्नी बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में इधर 6.25 रत्ती का रत्न धारण करें पुखराजी। लेकिन डॉक्टर को दिखाते रहिए, इलाज कराएं, साथ में उपाय करा सकते हैं। देखिए, अगर आप पुखराज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप गोल्डन टोपैज यानी कि सुनहला भी पहन सकते हैं। चलिए जानते हैं आज का चौथा महा उपाय। अभी अभी चुनाव खत्म हुए हैं लेकिन फिर आएंगे। क्या आप भी अपना पॉलिटिकल करियर बनाना चाहते हैं? दाएं हाथ की आपको रिंग फिंगर में, राइट हैंड की रिंग फिंगर में कृतिका नक्षत्र में माणिक, जिसको रूबी कहते हैं, 5.25 रत्ती का पहनना है। और इसके साथ साथ पुष्य नक्षत्र में पुखराज रत्न पहनेंगे 5.25 रत्ती का अपनी इंडेक्स फिंगर में। ये पहनिए, आपका पॉलिटिकल करियर अच्छा चलेगा। एक और ज़रूरी बात, मैं आपको जो भी रत्न पहनने की जानकारी देती हूँ, हमेशा किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से दिखाकर, चेक कराकर फिर ही पहनिएगा। फ़ायदा और नुकसान दोनों पहुँचाने की ताकत होती है रत्नों में, तो उन्हें केयरलेसली नहीं पहनना चाहिए। आप जानते हैं आज का पांचवा और आखिरी महा उपाय। क्या आप मंगल दोष से परेशान हैं? ऐसे में मूंगा, 5 रत्ती का अनामिका उंगली में पहनिए। किसी भी ज़रूरतमंद फीमेल का कभी मजाक नहीं उड़ाइए। घर, दफ्तर या दुकान पर अपने नीचे काम करने वाले जो व्यवहार करते हैं उनके साथ वो बहुत बैलेंस्ड होके करें, बल्कि धन से उनकी मदद भी कीजिए। आपको स्त्रियों से गलत रिलेशनशिप से बचना है, शराब और गुटखे से बचना है, हनुमान मंदिर पर झंडा लगाना है, चोला चढ़ाना है, तब जाकर आपका कल्याण होगा। साकार करें सपने अपने।